हफ्ते से चला आ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के आधार में जो ये एक प्रोग्राम चल रहा है। आज इसका सैनिटेशन डे था, क्योंकि सैनिटेशन सफाई के बारे में जो हमने पहले भी कहा है, अपना इर्द गिर्द साफ रखो, अपना माहौल साफ रखो। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पिछले हफ्ते से हम मना रहे थे, पिछले दिनों में कुछ प्रोग्राम थे, पेंटिंग कम्पटिशन का था, क्विज कम्पटिशन था, तो आज इसका जो महत्व था, आज का जो इस अमृत महोत्सव का महत्व था वो साफ़ सफाई के बारे में था, सैनिटेशन के बारे में। तो एज ए चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा, मेरे साथ मेरे डिप्टी साहब हैं, मेरे काउंसलर साहबान हैं, मेरे डीओ साहबान हैं, मेरे सब मुलाजमी साहबान हैं। हम लोगों से इन चैनलों की मतलब माध्यम से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ चल रही है, जितना भी हो सके ये कूड़ा कचरा अपने एक डस्टबिन में जमा करके इन गाड़ियों में डालें। हम अभी बाज़ार से निकले तो मैंने देखा कुछ दुकानदार भाई ने मतलब सड़क पे मतलब अपना कूड़ा करकट डाला था, तो हमने गाड़ियां लाई है, करोड़ों रुपए का सामान हमने लाया है, ये लोगों की सहूलियत के लिए हमने लाया है। तो इन्हीं सहूलियत के लिए घर घर भी हमारी गाड़ी जाती है, डोर टू डोर भी जाती है, मोहल्ले मोहल्ले जाती है, गली गली जाती है, और बाज़ार में भी ये दो दिन में गाड़ी घूमती रहती है। मैं अपने ट्रेडर्स फेडरेशन के वो जो हमारे उसके सदर हैं उससे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि और अपने यहाँ दुकानदार भाई से भी, जो भी कूड़ा कचरा हो एक डिब्बे में रखकर जब भी हमारी गाड़ी आएगी उसमें डाल दो। तो आज का दिन इसी के लिए मखसूस था, आज़ादी का जो ये अमृत महोत्सव था इसीलिए मखसूस था कि अपने इर्द गिर्द साफ रखो, अपने पड़ोसी साफ रखो, खुद का घर साफ रखो, बाज़ार साफ रखो, दुकानें साफ रखो, जो भी है मतलब यहाँ कोई वाशरूम है उसको भी साफ सफाई, और हमारे जो भी कोई शिकायत किसी से हो, हम यहाँ म्यूनसिपलिटी कमेटी का दफ्तर यहाँ पर है, म्यूनसिपलिटी का मेरे अफसर वहाँ बैठे हैं, हम सब काउंसलर साहिबान के भी फ़ोन नंबर आपके पास है, किसी जगह कोई भी आपको परेशान है मेरे काउंसलर को फ़ोन करें, मेरे ईओ साहब को फ़ोन करें, मेरे मुलाजमों को फ़ोन करें, मेरे जमादार हैं, मेरे बाकी भी सैनिटेशन से आज जो इस सैनिटेशन का ही प्रोग्राम था, जब भी कोई परेशानी हो तो उनको मेहरबानी करके फ़ोन करें। और ख़ासकर यही है, और मैं अपने दुकानदार भाई से एक बार फिर यही इस्तदा करता हूँ कि हमको ज़ोर ज़बरदस्ती पर ये मजबूर न करें, जो इन्होंने एनक्रोचमेंट पटरियों पर अपना सामान लगाया है, ऐसा न हो कि श्रीनगर या बारामूला की मानत हमको भी वैसा कुछ एक्शन करना पड़े। मैं एक बार फिर आपकी चलनों से वसादत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुकानदार भाई से, आज का ये रिक्वेस्ट नहीं है, आज की ये वार्निंग समझो, आज के बाद जो भी हमको पटरी पर सामान मिलेगा, जो भी मिलेगा, हम जब्त करके ले जाएंगे, फिर